ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो व्हाट इज इट, है क्या ये? और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ए इनकरप्टिबल डिजिटल लेजर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट कैन बी प्रोग्राम टू रिकॉर्ड नॉट जस्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बट वर्चुअली एवरीथिंग ऑफ वैल्यू। तो उसको बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाता हूँ इस पिक्चर के जरिए, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये है क्या। तो इसमें आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 6 स्टेप्स में आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से काम करती है। इसमें क्या है कि डिजिटली ट्रांजेक्शन होता है मनी का, ठीक है, वर्चुअल करेंसी में भी इसका यूज़ होता है इस टेक्नोलॉजी का, और क्रिप्टो करेंसी जिसको हम कह सकते हैं। तो अगर ए बी को मनी सेंड करना चाहता है, जैसे मैं इसको एक बार टिक कर देता हूँ, यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। तो ए पहला स्टेप, बी को मनी सेंड करना चाहता है, आप देख पा रहे हो मनी जा रही है, ठीक है। तो द ट्रांजेक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज ब्लॉक, बहुत ध्यान से समझना, जो ट्रांजेक्शन है, जो मनी का ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, वो ब्लॉक के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। पिक्चर में तीर के जरिए दिखाने की कोशिश है। द ब्लॉक इज ब्रॉडकास्ट टू एवरी पार्टी इन द नेटवर्क, ये आपके नेटवर्क नजर आ रहे हैं, क्या अलग अलग नेटवर्क हैं, उनको ब्रॉडकास्ट करते हैं ब्लॉक। और दोज इन नेटवर्क अप्रूव द ट्रांजेक्शन इज वैलिड, अगर वो उसको अप्रूव कर देते हैं कि ये वैलिड है, तो द ब्लॉक देन कैन बी एडिड टू द चेन विच प्रोवाइड्स एन इनडेलिबल एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, और द मनी मूव्स ए टू बी। तो जो आपके ये मनी थी आपकी, ए से बी के पास आ जाती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम जो वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, उसके ट्रांजेक्शन को करते हैं, और ये डिजिटल लेजर भी हम इसको कह सकते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है इसमें। और वेयर डिड इट स्टार्ट, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? तो इसकी शुरुआत, तो दिस इज एन इंडिजिनस इन्वेंशन एंड ब्रेन चाइल्ड ऑफ पर्सन और ग्रुप नोन एज सतोशी सतोशी नाकामोटो इन 2008, ठीक है। इनका नाम आपने क्रिप्टो करेंसी में भी सुना होगा, ठीक है। तो कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लॉक चेन टेक आर्किटेक्चर, तो क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो कुछ ये टर्मिनोलॉजी है इससे जुड़ी हुई, जैसे नोड क्या होता है, यूजर और कंप्यूटर को नोड बोला जाता है। ट्रांजेक्शन स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, जैसे आपका रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा दैट सर्व्स एज द पर्पज ऑफ ब्लॉक चेन। तो ट्रांजेक्शन को जो है, ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं आपके, उसको बोलते हैं ब्लॉक। क्या चीज है ये? डाटा स्ट्रक्चर यूज फॉर कीपिंग ए सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल नोड्स इन द नेटवर्क। तो नोड्स क्या है? यूजर और कंप्यूटर। तो ये वो टर्मिनोलॉजी है, या हम कहें ब्लॉक चेन आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं, नोड, ट्रांजेक्शन, ब्लॉक। तो इनका मतलब हमें पता होना चाहिए। चेन ए सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर, उसको चेन बोला जाता है। माइनर्स स्पेसिफिक नोड्स दैट परफॉर्म द ब्लॉक वेरिफिकेशन प्रोसेस बिफोर एडिंग एनीथिंग। तो नोड क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है, ब्लॉक क्या है, चेन क्या है, माइनर्स क्या है, कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल ये क्या है, ए सेट ऑफ रूल्स एंड अरेंजमेंट्स टू कैरी आउट ऑपरेशंस, और पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन पी टू पी। तो कम्युनिकेशन अकर्स डायरेक्टली बिटवीन पीयर्स इंस्टीड ऑफ थ्रू ए सेंट्रल नोड, ईच नोड स्टोर्स एंड फॉरवर्ड्स इंफॉर्मेशन टू ऑल अदर नोड्स। नोड्स क्या है? यूजर और कंप्यूटर को नोड्स बोलते हैं, यूजर को नोड बोला जाता है। तो ब्लॉक क्या है, चेन का मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, माइनर्स का मतलब क्या है, पीयर टू पीयर ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। ये सब ब्लॉक टेक्नोलॉजी के आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा एप्लीकेशंस कहाँ पर है इसके? डिजिटल आईडी में इसका एप्लीकेशन है, बिटकॉइन में है, रियल इस्टेट में है, वोटिंग में है, पेमेंट एंड ट्रांसफर्स में, हेल्थ केयर में, लॉ एनफोर्समेंट, बैंकिंग, ऑनलाइन म्यूजिक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ आपका होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। और इसके अलावा ये फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर, डिजिटल आइडेंटिटीज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मॉनिटरी एप्लीकेशंस, क्रिप्टो करेंसीज, और इसके अलावा रियल इस्टेट और सप्लाई चेन,